नमस्कार, नमो नारायण, जय श्री महाकाल। मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सभी लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यक्षिणी साधना के बारे में। आज की जो यक्षिणी है वो है अनुरागिणी यक्षिणी। देखिए, एक दर्शक ने मुझसे कमेंट किया था कि आप अपने हर वीडियो में ये बोलते हैं कि क्रोध भैरव की साधना करो, क्या क्रोध भैरव के अधीन है सारी यक्षिणियां? जी हाँ, इस क्वेश्चन का जवाब है बिल्कुल सही है, क्रोध भैरव के ही अधीन है। अगर आप क्रोध भैरव वाले मेरे वीडियो को देखेंगे तो मैंने विधि विधान ही बताया हुआ है। किसी भी देवता को पूजने का मतलब पहले यही होता है कि आप इस यक्षिणी या फिर अप्सरा, जितनी भी ये साधनाएं हैं, यक्षिणी और अप्सराओं की खास करके मैं बात कर रहा हूं, सभी साधनाओं की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें आपको एक शक्तिशाली ऐसे देवता की जरूरत पड़ेगी जो आपको, जो ये डर देती हैं, सताती हैं या काम नहीं बनाती हैं, और भी जो निगेटिव एनर्जीज आती हैं उनको बचा ले और साधना काल के समय में भी आपका कवच बन के काम करे। तो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बोला हुआ है कि क्रोध भैरव की अगर आपने साधना की होती है तो आपकी सिद्धि जो होती है, जागृति जो होती है, प्रत्यक्षीकरण होता है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत 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 ज़्यादा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और चार्ट करने बैठ जाते हैं तो शून्य के बराबर ही साधना होती है, फलित नहीं होती है। आज की जो मेरी अनुरागिणी यक्षिणी है, यह यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए भोजपत्र जो होता है, भोजपत्र आप गूगल करके देख लीजिए क्या होता है, और आपको आसानी से किसी भी दुकान पे मिल जाएगा जहाँ पे श्राद्ध का या पूजा का सामान मिलता है, वहाँ पर भोजपत्र आसानी से मिल जाएगा। उस पे आप कुमकुम से यक्षिणी का कल्पनी वाला, जैसे कल्पना करते हैं ऐसा ही कोई एक विचित्र बना लीजिए, जैसा आपको सही लगे बना लीजिए। यह साधना जो होती है ये प्रतिपदा से आरंभ होगी और तीनों संध्याओं में होगी। अब इसमें करना क्या है, आपको धूप दीप आदि से इस देवी का पूजन करना है और रात्रि में ही प्रतिदिन होगी और 8000 संख्या में इस देवी का जप होगा, जो मैं अभी मंत्र बताऊंगा। मंत्रों को अब मैं डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स होता है उसमें नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरे वीडियो को कॉपी किया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कॉपी कर लेते हैं और ऐसा ही वीडियो सेम टू सेम उतारा जा रहा है, तो ऐसे पाखंडी और ढोंगी गुरुओं से बचने के लिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर मैं आपको मंत्र को लिख भी देता हूं और जरा सी स्पेलिंग गलत हुई तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इसका उच्चारण कैसा है, तो इससे अच्छा यही है कि मैं 2-3 बार उसका उच्चारण कर दूं, आप भी सुन लीजिए और फिर जिस भाषा में आपको सही लगे उस भाषा में आप पेन कॉपी से लिख लीजिए। आप पूर्णिमा की रात्रि जो होती है उसमें घी का दीपक जलाकर, गंध पुष्प धूप होता है, ये सभी चीजें लेकर रात्रि में ही इसका जप आरंभ करें। इसके उपरांत जब प्रातः काल में ये यक्षिणी आएगी तो साधक की पत्नी बनकर ही आती है, और एक बात याद रखिए कि इसमें माँ के तरीके से और बहन के तरीके से नहीं हो सकता है, पत्नी बन के ही आएगी। जब ये यक्षिणी आएगी तो आपको सोने के सिक्के देगी, खाने योग्य पेय पदार्थ देगी, द्रव्य देगी, वस्त्र देगी। याद रहे, अपने साधना काल के किसी भी अनुभव को मेरे अलावा किसी से भी शेयर मत करें, और करा भी नहीं जाता है कभी भी अनुभवों को, कभी भी कमेंट बॉक्स में मत लिखिए, मैं बार बार यही कहता आया हूँ। जो भी अनुभव होते हैं उन्हें अपने पास ही रखिए, अपने पति को या अपनी पत्नी को भी बताने की चेष्टा मत करें, किसी को भी नहीं बताया जाता है। यानी जब भी हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उस समय जो आपके मुंह से जो मंत्र निकलते हैं वो भी केवल आपके जो लिप्स होते हैं, ओंठ होते हैं, वो सिर्फ हिलने चाहिए, बाकी आपकी मुंह से जबान से एक शब्द बाहर नहीं आना चाहिए। इससे होता क्या है, इससे सामने वाले को ये पता नहीं चल पाता है कि आप कौन सी साधना कर रहे हैं, तो उस साधना के जो फल होते हैं वो फलदायी हो जाते हैं और साधना अपना असर दिखाना चालू कर देती है। अगर इस साधना में
यह यक्षिणी आपको मंत्र करने के बाद भी दर्शन नहीं देती है तो मैं क्रोध भैरव का भी एक मंत्र आपको दूंगा। उस मंत्र का अगर आप उच्चारण करना चालू करेंगे इस साधना के बाद तो क्रोध भैरव उसको दंड देते हैं, उसके आंखों को और माथे को फोड़ देते हैं और उसे नरक में भेज देते हैं और उसको मृत्युदंड भी देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सभी साधनाएं क्रोध भैरव के अधीन हैं, खासकर की यक्षिणी और अप्सराएं साधना। अब कैसे आपको करना है, जैसे मैंने बता दिया सभी विधि विधान है, पहले गणेश जी की पूजा, फिर आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी है, नॉर्मल विष्णु जी का मंत्र पढ़ना है, फिर अपने गुरु का ध्यान करना है जो ये आपको दे रहा है शिक्षा सिद्धि दे रहा है, और उसके बाद शिव जी महाराज का करना है मंत्र, और अपने आसपास रक्षा कवच आप खींच लीजिए क्रोध भैरव के मंत्र पढ़ के, जैसे भी आप कर पाए। मैंने रक्षा कवच के और भी वीडियो डाले हुए हैं। इसका जो आसन होगा वो आसन लाल होगा और उसके बाद इनका मंत्र आप स्टार्ट करेंगे। दिन जो है वो दिन है शुक्रवार, और किसी भी सोमवार से भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये साधना एक महीने तक चलती है और यक्षिणी इससे प्रसन्न हो ही जाती है। तो यक्षिणी का जो मंत्र है वो है ओम अनुरागिणी मैथुन प्रिय स्वाहा। बहुत सरल मंत्र है, बहुत छोटा मंत्र है, आसानी से आप लोग रट जाएंगे, कोई भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओम अनुरागिणी मैथुन प्रिय स्वाहा, ओम अनुरागिणी मैथुन प्रिय स्वाहा, ठीक है। ये आपका एक मंत्र है, इस मंत्र को आप कर लीजिए। और याद रहिए कि ये जो मंत्र होते हैं ये सभी तांत्रिक मंत्र होते हैं, इसीलिए तांत्रिक क्रियाओं से ही आरंभ किए जाते हैं, इसीलिए इसका समय जो है वो रात्रि में ही है। इन साधनाओं में, सभी साधनाओं में ब्रह्मचर्य का पालन आपको करने की आवश्यकता है। अगर आप पत्नी और पति वाले भी हैं तो भी आपको ब्रह्मचर्य रखना है, खास करके इन साधनाओं के समय में। उसके बाद आप क्या करते हैं उससे कोई भी मतलब नहीं है। साधना के समय में जो साधना का विधि विधान होता है उस ही तरीके से आपको कार्य करना होगा। अब अगर उसके बाद भी यह यक्षिणी आपको प्रसन्न नहीं होती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1000 जब आपको सुबह करना है, 1000 आपको दिन में करना है, 1000 आपको शाम को करना है, 3 संध्या कालों में ही इसका पूजन होता है, 1000। और मुझे लगता है 1000 जो होता है वो मुश्किल से 10 माला, यानी सुबह की 10 माला, दिन की 10 माला और रात की 10 माला बहुत आसानी से हो जाएगी, बहुत आसानी से। तो इस तरीके से आप करिए। उसके बाद अगर ये नहीं दक्षिण देती है, आपको नहीं दर्शन दे रही है, तो फिर मैं आपको मंत्र बताता हूं, 3 संध्या काल में क्रोध भैरव का भी आप मंत्र करिए। ओम हुम फट फट अनुरागिणी यक्षिणी ह्रीम सम सम हुम हुम फट, ओम हुम फट फट, पहले इसे लिख लीजिए, फिर लिख लीजिए अनुरागिणी यक्षिणी ह्रीम, बस इतना लिख लीजिए, फिर लिख लीजिए सम सम हुम हुम फट, इतना लिख लीजिए। 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए और ऐसे जैसे से मैं बोल रहा हूं वैसे लिख लीजिए, ओम हुम फट फट, पहले ऐसे लिखिए ओम हुम फट फट, फिर लिख लीजिए अनुरागिणी यक्षिणी ह्रीम, अनुरागिणी यक्षिणी ह्रीम। ह्रीम जो माया का बीज मंत्र है, भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है, आप सभी लोग जानते हैं, तो उसका मंत्र है अनुरागिणी यक्षिणी ह्रीम। इतना हो गया, ये 2 चरण हो गए। उसके बाद सम सम, सा षटकोण वाला जो होता है, सा षटकोण आपने आ ई पढ़ा होगा, उसका षटकोण वाला होता है, तो सा के ऊपर हल्की सी बिंदी सम सम ऐसे, और उसके बाद हुम हुम फट, फिर से पूरा पढ़ के सुना देता हूं, ओम हुम फट फट अनुरागिणी यक्षिणी ह्रीम सम सम हुम हुम फट। जब आपका ये साधना हो जाती है, अगर आपको दर्शन मिल जाते हैं सपने में किसी प्रकार तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप कन्याओं को भोग लगा दीजिए, 7 कन्याओं को। अगर नहीं मिलती है, अगर नहीं दर्शन होते हैं, तो पहले वह क्रोध भैरव को करिए, उसके बाद जब क्रोध भैरव का मंत्र हो जाता है उसके बाद दर्शन देती, फिर ये काम करिए। याद रहे क्रोध भैरव का जो मंत्र होगा वो आपका एक माला से काम नहीं चलेगा, एक माला से काम नहीं चलेगा, उसकी आपको 10-10 माला ही करनी होगी, क्योंकि यहां पर भी आपको सेम ही विधि विधान होगा, जो यक्षिणी का हो रहा है वही क्रोध भैरव का भी रहेगा। तो जितने ज्यादा आप मंत्र करेंगे उसके चांसेस उतने ज्यादा होते हैं, यही साधना होती है। साधना काल में जैसे जैसे आपके मंत्र ऊपर उठते जाते हैं
तो वो जो देवी देवता उस बीज मंत्र के अंदर निवास करता है उसको मजबूरी वश आना ही पड़ता है, ये मंत्र शक्ति उसे खींच लाती है। और अगर नहीं आएंगे तो या तो उसको वो मंत्र दंड देंगे या कष्ट देंगे। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप अच्छे से साधना करना प्रारंभ करिए जैसा मैंने बताया है। आप सभी लोगों का कल्याण हो। जय श्री महाकाल, नमो नारायण, राधे राधे, हरिओम।